भाई मंचूरियन और चावल, वो भी जीरा राइस। मैं आपका स्वागत है, मैं हूं आपका अपना हरी। और भाई साहब आज मैं हूं चंडीगढ़ में और यहां पे मिलता है 40 रुपए में अनलिमिटेड खाना, 40 50 60 अनलिमिटेड खाना। क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। भाई साहब वीडियो लाइक कर दिया करो यार, क्यों बटन दबा दिया करो, इधर नीचे ही है, इधर इस तरफ है। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया सर, बढ़िया। थैंक यू सो मच आपने मुझे टाइम दिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या सेटअप है यहाँ पे, क्या लगाते हैं, क्या करते हैं? हमारे पास थाली होती है, चना भटूरे, नान और राइस, जी चार आइटम्स होते हैं। और ये लंच के लिए है? सिर्फ लंच के लिए। ब्रेकफास्ट में पराठे होते हैं और अच्छा। शाम को समोसे होते हैं। और पराठे का क्या प्राइस है? 40 की प्लेट होती है, दो पराठे होती है, सब्जी होती है, चटनी होती है। पराठे होते हैं आलू वाले, गोभी, प्याज, पनीर, मूली सब होते हैं। अच्छा, मतलब 40 रुपए में आप पराठे दे रहे हैं और 60 रुपए में अनलिमिटेड खाना दे रहे हैं। भाई ऐसा मतलब कैसे, आपने हिसाब कैसे बनाया है? शुरू से ही चल रहा है, किसी को मना नहीं किया जाता, कोई दोबारा मांग लेता, हम मना नहीं करते कभी। अच्छा, चाहे चार की जगह कोई पांच रोटी भी खा ले, छह भी खा ले, कोई बात नहीं। जैसे आपके पापा ने बताया कि 2005 से शुरू हुआ था, तब राजमा चावल कड़ी चावल लगाते थे, यही लगते थे। तो ये लोगों की डिमांड आई कि थाली लगाओ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कि रोज रेगुलर राइस नहीं खाए जाते, इसीलिए रोटी लगाओ या कुछ और लगाओ। जी जी जी। तो कितनी सब्जियां होती हैं यहाँ पे आपके पास? सब्जी होती है हमारे पास 10-12 होती है जी, दो तीन ड्राई होती है, बाकी ग्रेवी वाली होती है। जी जी जी। तो मतलब दाल भी रहती है, ड्राई सब्जियां भी रहती है और ग्रेवी वाली भी रहती है। हाँ जी। और अगर किसी को सारी की सारी सब्जियां ट्राई करनी हो तो फिर वो कितने की थाली है? 60 की है। अच्छा, तब भी 60 की है? 60 रुपए की है। मतलब जो कुछ मर्जी ले लो 60 रुपए। अरे भाई, चावल के साथ 60 और रोटी के साथ 50? रोटी के साथ, हाँ, राइस के साथ 60 की, विदाउट राइस 50 की। ये वाली थाली कितने की है? 40 की। 40 की। एक बार दिखाएंगे सब कुछ चला के, ये चावल से शुरू करते हैं। ये है जी इधर, ये बासमती राइस है, जीरा वाले, जीरा राइस बना के रखे हुए हैं जी। फ्राइड है, फ्राइड है, फ्राइड है। ये फ्राइड राइस है जी। और ये क्या सब्जी है? राजमा। ये इधर है जी राजमा, बहुत ही बढ़िया यार, एकदम काले राजमा। येलो दाल है ये इधर। अच्छा, मूंग दाल है। अरे वाह भाई, एक बार जरा इसको चला के दिखाइए मूंग दाल को। भाई ये बढ़िया मूंग दाल बना के रखी है यहाँ पे। एंड इधर है जी मंचूरियन। भाई एक तरफ कढ़ी चावल, राजमा चावल, एक तरफ मंचूरियन, ये क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कोई एक चीज लेता है उसके साथ मिक्स करवा लेता है। अच्छा, मंचूरियन के साथ। तो ये चाइनीज फ्लेवर वाला है या कोफ्ते वाला है? चाइनीज वाला ही, चाइनीज फ्लेवर है। ये देखो बैक टू बैक जो है पैकिंग जा रही है। इधर ये क्या है सर? ये ब्लैक चने है। ये है जी काले छोले और आलू मटर। ठीक है, आलू मटर, आलू मटर। अरे भाई बहुत ही बढ़िया। और ये है जी मेरी फेवरेट, जो कहीं पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती भाई, पकोड़े वाली कड़ी, एकदम जबरदस्त राई का तड़का लगा हुआ है। तो आकाश भाई आपने ना पूरा जो है एक तरह से एरिया घेरा हुआ है, एक तरफ दाल मखनी है, एक तरफ मंचूरियन है, एक तरफ छोले भटूरे, पूड़ी भी होती है? नहीं पूड़ी नहीं, चने भटूरे ही। और अपना कुलचा या नान होता है? जी जी जी। एक बार दिखाइए ये सेटअप क्या है, ये भटूरे वाला सेटअप है? हाँ जी। तो उस्ताद जी यहाँ पे बैक टू बैक भटूरे बना रहे हैं। भटूरे का क्या प्राइस है सर? 40 की। 40 रुपीज़ में दो भटूरे? दो भटूरे, चने रायता जी। और चने वगैरह कहाँ पे होते हैं? चने सामने वहीं पे, जहाँ पे हमने राइस वाला सेटअप देखा था। अच्छा, ये देखो ये भटूरे बनाए हुए हैं। भटूरे के अंदर क्या क्या है सर, इसमें पीठी क्या रहती है? अजवाइन, अजवाइन, धनिया, बेकिंग पाउडर। अच्छा जी, मैदा, अजवाइन, धनिया, बेकिंग पाउडर, आटा, मैदा, भाई साहब भर के जबरदस्त बनाया हुआ है और ऊपर से एकदम तरल हो रखा है। कितनी देर खमीर करते हैं सर इसको? दो घंटे। दो घंटे में बढ़िया भटूरे फूले फूले बनके तैयार। और ये 40 रुपए में आपको यहाँ पे भटूरे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है? अभी सिंपल रोटी है, नान है और मिस्सी रोटी है। सिंपल रोटी, नान और मिस्सी रोटी, ये तंदूर वाला सेक्शन है। हाँ जी। और इसमें मैं देख रहा हूँ एक स्टफिंग भी पड़ी है, उसमें क्या, वो क्या जाता है? नान होते हैं, मिक्स नान। अच्छा, एक लगवा के दिखाएंगे प्लीज। ये देखो जी, ये पेड़ा लिया और इधर से आई आलू की पीठी। इसके अंदर क्या मसाले रहते हैं सर? सब मसाले मिक्स होते हैं। मिक्स मसाले हैं, हरी मिर्ची है, ऊपर से प्याज है एंड साथ में है जी आलू। करिए सर, दबाइए इसको। तंदूर में लगाने से पहले इसकी मसाज करते हैं, है ना भैया? मालिश मसाज सब हो जाता है। और ये गया जी तंदूर के अंदर, ये बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे तंदूर के पास खड़े रहने का मन करता है सर्दियों में, है ना भैया? बढ़िया, एकदम जबरदस्त। यहाँ पे ये धीमी धीमी जो आँच है इसकी, ओए हो, ये थाली का है जी। ये ये थाली का टोकन है, ये राइस का है, ये ब्लू वाला राइस का है, ये भटूरे का और ग्रीन वाला भटूरे का है। क्या बात है, ये टोकन सिस्टम है जी यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे खाना खाने आते हो तो आपको टोकन के हिसाब से मिलेगा। इधर राइस वाला सेक्शन है और ये है जी थाली वाला सेक्शन और इधर है जी ये नान वाला सेक्शन और वो दूर है जी छोले भटूरे वाला सेक्शन। रोटी और चावल। ये क्या है सर? व्हाइट चने।
ये है जी वाइट छोले रायता, बूंदी रायता, ये जी रायता मिक्स रायता, जबरदस्त। और इधर क्या है सर? मटर पनीर। ये है जी मटर पनीर। थाली लग रही है 50 वाली जी। इसमें क्या क्या आता है सर? दो सब्जी रायता जी, चार रोटी। लगा के दिखाइए। तो ये 50 रुपए वाली थाली लग रही है जी, इसमें आप सब्जियां चूज कर सकते हो। कढ़ाई पनीर और दाल, रोटी तवा तंदूरी, तो ये है जी 50 रुपए वाली थाली, रोटी सलाद रायता। भाई एंजॉय करो। थैंक यू जी। सर ये दाल दिखा दीजिए जब तक। इसके अंदर है गोभी। अच्छा मिक्स वेज है। दिखाइए थोड़ा सा चला के। चाप नहीं है, कढ़ाई पनीर है, मटर पनीर, साग, दाल, कढ़ाई पनीर, छोले भटूरे ले रहा है कोई, नान ले रहा है, सब्जी कोई भी दो ले लो, जो मर्जी थाली में। अच्छा, और उसका प्राइस 50 रुपए? एक 60 है, 50 है। अच्छा 50 वाली में क्या है और 60 वाली में क्या है? 60 वाली में चावल भी है, 50 वाली में चावल नहीं है। अच्छा 10 रुपए के चावल एक्स्ट्रा और सलाद रायता ये सब मिलेगा? हाँ ये तो है ही है। बोलो सब्जी। सरसों का साग। ये है जी सरसों का साग, बढ़िया एकदम। ये है जी कढ़ाई पनीर, एकदम गाढ़ा मसालेदार, इसमें शिमला मिर्च वगैरह का तड़का लगाया हुआ है। ये इधर है जी राइस। राइस सर फ्लेवर वाले हैं, सिर्फ स्टीम राइस है? नहीं जीरा राइस है। जीरा राइस है। बोलो सब्जी और बोलो। और बोलो कौन डालो? मिक्स वेज है, साग है, कढ़ाई पनीर, दाल, रोटी तवा तंदूरी। सोनू जी एक हमारी थाली लगा दीजिए। इसमें चावल के ऊपर मैं मंचूरियन डलवा सकता हूँ? तो चावल के ऊपर हम डलवाएंगे जी मंचूरियन। इधर आए जी सबसे पहले राइस, इसके साथ सर एक तो वो कढ़ाई पनीर दे दीजिए। ये आ गया जी कढ़ाई पनीर ऊपर से। एंड एक आप रेकमेंड करिए क्या डालेंगे? दाल डाल दीजिए। ये आ गई जी दाल। और भाई इसके साथ आएंगी रोटियाँ। एंड राइस के ऊपर हम डलवाते हैं मंचूरियन। रोटी सर इसमें रख दीजिए, तवा रख दीजिए सर। तो ये आ गई जी हमारी थाली। अब इसके अंदर डलवाते हैं मंचूरियन। भैया इधर राइस के ऊपर मंचूरियन डाल दीजिए प्लीज। ये देखो भाई ये राइस के ऊपर आ गया मंचूरियन। तो भाई ये हमारी 60 रुपए वाली थाली है, इसमें मंचूरियन है, पनीर है, दाल है, रायता है, खीरा है, तवा रोटी है, चावल है। और भाई साहब ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं इनको, सोनू ढाबा को बहुत खाने आते हैं। भाई साहब ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा। सबसे पहले तो चम्मच एक मिला है तो आज पाप होने वाला है। ये है जी दाल, ये है जी शाही पनीर या कढ़ाई पनीर, मसाले वाला एकदम बढ़िया। इसके अंदर प्याज टमाटर का मसाला है और साथ में शिमला मिर्च है, पनीर है। इधर है जी रायता, इसमें मैं ये घोर पाप नहीं करूँगा। ये है जी मंचूरियन। और भाई ये जो थाली है ना ये एक्चुअली लोग खाते हैं, मतलब मंचूरियन के साथ दाल, मंचूरियन के साथ कढ़ी, मंचूरियन के साथ छोले, आपने देखा ही है लोग ऐसे खाते हैं, तो हम भी ट्राई करते हैं। ये है जी नॉर्मल अपना मंचूरियन और साथ में राइस। हियर्स अ बाइट। भाई ये ऐसा है कि मंचूरियन जो है वो तो है इंडियन फ्लेवर, चाइनीज और इंडियन का कॉम्बिनेशन बोलो, कोफ्ते वाला फ्लेवर है। जो चाइनीज फ्लेवर आ रहा है ना वो आ रहा है जी ग्रेवी के अंदर, तरी के अंदर, बीन्स डाले हुए हैं, मटर डाले हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रिपरेशन है। इना आपके पैलेट के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप बोलोगे भाई मंचूरियन और चावल, वो भी जीरा राइस और मंचूरियन, मतलब वो जैसे समोसे के साथ कढ़ी होगी ना, ये वो वाला कॉम्बिनेशन हो गया। जब इन्होंने पैक किया होगा तो इनकी ममता जो है वो झलक रही होगी इसमें। ये है जी एक बाइट एंड इसको हम डालते हैं इस पनीर के अंदर। Here goes. भाई देखो 60 रुपए के अंदर ये सब कुछ मिल रहा है 2022 में, मानना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, मिल जाता है। और ये कमर्शियल सेटअप है, ये कोई चैरिटेबल सेटअप नहीं है, कोई डोनेशंस नहीं है यहाँ पे, ये कमर्शियल सेटअप है। और यहाँ पे आपको इतना खाना मिल रहा है 40 रुपए से शुरू, छोले भटूरे 40 में, पराठे 40 में, 50 रुपए में राइस, नहीं 40 रुपए में राइस वाली थाली और 50 रुपए में विदाउट राइस थाली, और फिर जो अगर आपको रोटी और राइस इकट्ठे लेने हैं तो उसकी थाली 60 रुपए की। दाल ट्राई करते हैं भाई, लाओ। ये देखो जी दाल। हिज भाई सोनू जी ने बोला था दाल खाना, भाई वाकई दाल सबसे मज़े की है, एकदम ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त है। तो अगर आपने कभी सोनू ढाबा पे खाया है तो कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। अगर आपने नहीं खाया तो कमेंट करके ये बताओ कि कब आ रहे हो और कब खा रहे हो।
हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, साडी हरियाणी ते जौंदा आजाद ते वसदा रहे साडा पंजाब, नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी ही एक जबरदस्त वीडियो अबाउट एन अनलिमिटेड सेटअप, जहाँ पे भाई साहब 70 रुपये में, पता नहीं 60 रुपये में, देखना आप वीडियो में, अनलिमिटेड खाना मिलता है बुफे वाला, तो भाई ये देखो।